ॐ जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित नियम सारजी परमागम में अजीव अधिकार की ये अंतिम गाथा है और दो कलश है 52 नंबर का और 53 नंबर का। कल हमने 35 और 36 नंबर की दो गाथाएं देखी थी, उसमें ये कहा था कि छह द्रव्यों के प्रदेशों का लक्षण अने तेना संभवनो प्रकार कहे लच्छे। क्या कहा? छह द्रव्यों के क्या कहा? प्रदेशों का लक्षण और उनका क्या कहा? प्रदेशों का लक्षण कहा, अर्थात आ गाथामां प्रदेशनु लक्षण तेमज छ द्रव्यों ने केटला केटला प्रदेश छे ते कयू छे, कितने कितने प्रदेश है वो कहा और प्रदेश पना कितने द्रव्यों में पाया जाता है, प्रदेश माने क्या, वो सबका स्वरूप ये 35 और 36 नंबर की गाथा में बताया। देखो एक पैराग्राफ है वो अपन पढ़ के आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु वड़े रोकायेलू आकाश स्थल ते प्रदेश छे। प्रदेश की परिभाषा की, एक परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को रोकता है लोकाकाश के उसको क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। एक परमाणु क्या कहा? शुद्ध पुद्गल परमाणु वड़े रोकायेली जग्या, एक परमाणु जितनी जगह को रोकता है ना उसको एक प्रदेश कहते हैं। अर्थात शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाशना जितला भाग ने रोके तितला भाग ते आकाशनो प्रदेश छे। पुद्गल द्रव्य ने एवा प्रदेशो संख्यात असंख्यात और अनंत छे। कल हमने देखा बराबर पुद्गल के मंजू आंटी संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश है। लोकाकाश धर्म और अधर्म तथा एक जीव के कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश है बराबर। और बाकी के जो अलोकाकाश है उनके कितने प्रदेश है? अनंत प्रदेश है। काल कितने प्रदेशी? एक प्रदेशी। ते कारण थी तेने काई पणु नथी परंतु द्रव्य पणु तो छे। काई पना नहीं है पर द्रव्य पना है। अब यहाँ पे ये इतना पूर्ण करके अब आगे बढ़ते हैं। देखो 52 नंबर का कलश अपन साथ में पढ़ते हैं। पदार्थ रत्नाभरणम् मुमुक्षो कृतम् मया कंठ विभूषणार्थम् अनेन धीमान व्यवहार मार्गम् बुद्धा पुनर्बोधयति शुद्ध मार्गम्। 52 नंबर का कलश बहुत सुंदर कलश है। फिर से यहाँ पे पदार्थ रूपी छह द्रव्यों की रत्नोनु आभरण में मुमुक्षुओना कंठनी शोभाना अर्थे बनाव्यू छे। मुमुक्षु की परिभाषा क्या? मुमुक्षु किसे कहते हैं? 17-18 गाथा में कहा ना आत्मार्थी मोक्षार्थी बराबर, जो मोक्ष ही चाहता है, जिसको मोक्ष का अर्थी है उसको क्या कहते हैं? मोक्षार्थी। ऐसे यहाँ पे मुमुक्षु किसको कहा? जिसको मोक्ष चाहिए, ख्याल आ रहा ना, उसको क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे भव्य जीव जो मुमुक्षु है उनके लिए ये छह द्रव्यों की जो माला है ना, छह द्रव्य, एक एक द्रव्य को रत्न कहा। क्या कहा? एक एक द्रव्य को। आप बोलोगे पुद्गल को भी रत्न कहा, तो के हाँ पुद्गल भी रत्न है। कैसे रत्न है? क्योंकि पुद्गल के स्वरूप को भी समझ के मैं ये पुद्गल का क्या नहीं हूँ? करने वाला नहीं हूँ, मैं कभी पुद्गल में हुआ नहीं हूँ। जब ऐसा जानेंगे और वो भी एक द्रव्य स्वतंत्र है, उसकी भी सत्ता एक भिन्न सत्ता है, जब ऐसा जानेंगे तो पुद्गल से भेद ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। छह द्रव्यों को जानने के लिए कहा, खाली एकमात्र जीव को नहीं, किसको जानना?
छह द्रव्यों को जानना, क्योंकि छह द्रव्यों को जान के क्या होगा, वीत राग ताकी ही उत्पत्ति होगी, राग की उत्पत्ति नहीं होगी। छह द्रव्यों को यथार्थ नहीं जानते हैं ना, इसीलिए राग होता है, इसलिए मिथ्यात्व है। पर छहों को स्वतंत्र जानेंगे तो मिथ्यात्व का नाश हुए बिना रहेगा नहीं। राग को अपना माना ना अनादि काल से, आश्रव तत्व को नहीं जाना, सात तत्वों को नहीं जाना, ख्याल आ रहा ना। शुभाशुभ भाव को क्या माना, अपना माना, और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसे जीव तत्व को ही अपना नहीं माना, इसलिए पर्याय में अनादि काल से संसार है। वो है ना संसार, संसार चक्र का पिक्चर है ना, संसार दर्शन। देखो कैसा वो एक मद के बिंदु, एक मद के बिंदु को प्राप्त करता है तो वो उस, वो भूल जाता है कि वो किसके मध्य में है। वो संसार समुद्र के मध्य, वो मगर के मुख के मुख में है, उसको ये पता नहीं है, क्योंकि वो इतना वो एक मद के बिंदु की लालसा में इतना वो क्या हो गया है, आसक्त तो हो गया है कि वो मगर के मुख के बीच में है, उसको पता ही नहीं। ऐसे ही अज्ञानी जीव भूतकाल के किए हुए दुख को भूल गया, और यहाँ पे थोड़े अनुकूल सामग्री मिलती है ना, तो क्या हो जाता है उसमें, इतना आसक्त तो हो जाता है कि यहाँ पे जो जिनेन्द्र भगवान ने छह द्रव्य बताए, सात तत्व बताए, उसको क्या कर देता है, भूल जाता है। समझ में आ रहा ना, उसको पता ही नहीं कि ये पुद्गल द्रव्य जुदा है और आत्मा जुदा है। इसलिए कहते ना अज्ञानी ज्ञानी, असाता का उदय आता है ना, असाता का उदय, तो अपने ज्ञायक को नहीं भूलते हैं, और साता का, साता के उदय में तो ज्ञायक को नहीं भूलते, पर असाता के उदय में ज्ञायक को तो जोरदार पकड़ लेते हैं। क्या कहा, साता के उदय में आत्मा को नहीं भूलते, पर असाता का उदय आता है तो अपने आत्मा को जोरदार पकड़ लेते हैं। पूज्य बेंश्री का है ना वो बोल कि कोई बच्चा वो मेले में अपनी माता से छूट जाता है, समझ में आ रहा ना, ख्याल आ रहा ना, तो उसको अगर पूछते हैं ना कि तुझे रोने लगता है, तो अगर उसको पूछते हैं, हाँ उसको पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तो उसके मुंह पे एक ही नाम होता है, क्या, मुझे मेरी माँ, माँ चाहिए। तो क्यों रो रहा है, तो एक ही शब्द है उसके मुंह पे, क्या, मेरी माँ। ऐसे जिसको आत्मा प्राप्त करना हो, उसके चिंतन में, उसके कंठ में, उसकी चर्चा में, उसकी वाणी में, उसके विकल्पों में कौन रमता है, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही रमता है। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे शुक्ल ध्यान चढ़ते हैं ना, शुक्ल ध्यान जब प्रकट होता है, श्रेणी मांडते हैं ना, ख्याल आ रहा है, तो शुक्ल ध्यान में भी संक्रांति होता है, कभी सुना है, संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति है ना, योग संक्रांति है ना, तो अबुद्धि पूर्वक भी उनको वहां पे विकल्पों में ये छह द्रव्य का क्या चलता है, चिंतन हो रहा है वहां पे, कौन सा, बुद्धि पूर्वक नहीं, अबुद्धि पूर्वक। तो जब श्रेणी मांडने वाले मुनिराज, समझ में आ रहा है ना, उनको भी अबुद्धि पूर्वक क्या चल रहा है विचारों में, ये छह द्रव्य सात तत्व, तो अपन तो कौन सी भूमिका में है, अपन तो बहुत निचली भूमिका में है कि नहीं। और अगर हम वी कथा में लगेंगे ना, तो नियम से तीव्र पाप का ही क्या होगा, बंद होगा। मैंने कहा पाप से छूटने के लिए उपाय क्या बताया, कि किसकी चर्चा करो, छह द्रव्य की चर्चा करो, क्योंकि वो मेरे मुख को शोभा देने वाली चर्चा है, वी कथा वो मेरे लिए शोभा नहीं है। चार कथा आती है ना, कौन सी चार कथा है, राज कथा, राज कथा बोलोगे भाभी पूनम अभी, स्त्री कथा, चोर कथा और भोजन कथा। समझ में आ रहा है ना, चार कथा, वी कथा में अनादि काल से जीव लगा है। मम्मी बोलोगे आप वापस, हाँ बोलो, हाँ हाँ, और कौन सी, राज कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा। समझ में आ रहा है ना, चार कथा, समझ में आ रहा है, चार भी कथा आती है, और ऐसी भी कथा में जीव लगता है तो नियम से पाप का बंध ही होता है। देखो क्या कहते हैं,
આના વડે ધીમાન પુરુષ વ્યવહાર માર્ગને જાણીને શુદ્ધ માર્ગને પણ જાણે છે. દોનો કો જાણતે હૈ, માર્ગ કા માર્ગ તો એક હૈ, પર માર્ગ કા નિરૂપણ કિતને પ્રકાર સે હોતા હૈ? દો પ્રકાર સે હૈ ના, નિશ્ચયી મોક્ષ માર્ગ ઓર વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ. નિશ્ચયી મોક્ષ માર્ગ સો યથાર્થ ઓર વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ સો ઉપચરિત. સમજ મે આ રહા? નિશ્ચયી મોક્ષ માર્ગ સો યથાર્થ માને અંગીકાર પ્રગટ કરને લાયક હૈ, ઓર વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ વો પ્રગટ કરને લાયક નહીં હૈ, પર વો જાનેલા પ્રયોજન માને. 12મી ગાથા મે કહા ના કે ક્યા કહા, ક્યા કહા? નિશ્ચય વો આદરને લાયક હૈ, પર વ્યવહાર વો જાનને લાયક હૈ. માર્ગ દો હૈ, એક ગ્રહણ કરને લાયક હૈ ઓર એક ત્યાગને લાયક હૈ. તો દોનો કો જાનના જરૂરી, ક્યુકિ દોનો જાનેંગે તો એક કો ગ્રહણ કરેંગે ઓર દૂસરે કો છોડેંગે. અગર 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 દો હોતે હી નહીં, દો વિષય નહીં હોતે ના, તો દો નહીં નહીં બનતે. નિશ્ચય નહીં ઓર વ્યવહાર નહીં. દેખો દો પ્રકાર સે ઘટિત હોતા હૈ. એક તો હમ દ્રવ્ય પર્યાય મે નિશ્ચય વ્યવહાર ઘટિત કરેંગે ના, તો દ્રવ્ય કો નિશ્ચય કહેંગે ઓર પર્યાય કો ક્યા કહેંગે? વ્યવહાર કહેંગે. પુનઃમાં દ્રવ્ય નિશ્ચય ઓર પર્યાય વ્યવહાર, બરાબર. અબ એક હી પર્યાય મે નિશ્ચય ઓર વ્યવહાર ઘટિત કરો તો કેસે ઘટિત કરોગે? તો જો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર હૈ ના, વો નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ ઓર ઉસકે સાથ સાથ રહેને વાલા જો દયા દાન વ્રત આદિ કે જો શુભ પરિણામ હૈ ઉસકો કહેંગે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ. એક હી પર્યાય મે નિશ્ચય, પર્યાય મે નિશ્ચય ઓર વ્યવહાર. એક હી પર્યાય મે નહીં, માને પર્યાય મે નિશ્ચય ઓર વ્યવહાર. સમજ મે આ રહા હૈ? જો રત્નત્રય કી પર્યાય હૈ વો નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ ઓર ઉસકે સાથ ભૂમિકા અનુસાર રહેને વાલા જો શુભ ભાવ હૈ ઉસકો કહેંગે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ. સમજ મે આ રહા ના? ઓર દ્રવ્ય પર્યાય મે કહે તો દ્રવ્ય નિશ્ચય ઓર પર્યાય વ્યવહાર હૈ ના. વ્યવહાર આશ્રય કરને લાયક નહીં હૈ, પર નિશ્ચય આશ્રય કરને લાયક હૈ. इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर कहा कि एना वड़े धीमान पुरुष व्यवहार मार्ग ने जानी ने शुद्ध मार्ग ने पन सू करे छे जाने छे. छह द्रव्यों को जान के फिर उसमें आश्रय करने लायक कौन है? तो एक जीव तत्व आश्रय करने लायक है कि जिसके आश्रय से मुझे मोक्ष मार्ग की क्या होगी? प्राप्ति होगी. ख्याल आ रहा है ना? आगे जाते हैं. देखो इसके बाद 37 नंबर की गाथा आती है. क्या कहते हैं देखो, छे मूर्त पुद्गल द्रव्य शेष पदार्थ मूर्ति विहीन छे चैतन्य युत छे जीव ने चैतन्य वर्जित शेष छे. यहाँ पे पूरे अजीव अधिकार में छह द्रव्य की चर्चा की. उसमें उसमें यहाँ पे क्या कहा? कल हमने देखा था कि पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और रूपी है, और बाकी के जो छह द्रव्य है वो कैसे है? अमूर्तिक है और अरूपी है. समझ में आ रहा है? अब जो धर्म अधर्म आकाश काल, वे अमूर्तिक तो है, शुद्ध तो है, तो फिर जीव भी अमूर्तिक है और शुद्ध है, तो फिर जीव और इन चार द्रव्यों में अपन भेद कैसे पाड़ेंगे? पूनम भाभी आप बताओगे? देखो पुद्गल और ये पांच को तो अलग कर दिया, क्योंकि पुद्गल मूर्तिक है और रूपी है, और बाकी के पांच अमूर्तिक और अरूपी है. पर अब जीव को ये चार से अलग करना है तो कैसे करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया. जीव में क्या है? जीव में चेतनपना है. समझ में आ रहा है? ज्ञान और सुख से लबालब भरा है. और पुद्गल में सॉरी अधर्म अधर्म आकाश काल, ये चार शुद्ध तो है, अमूर्तिक तो है, पर इसमें ज्ञान और सुख नहीं है. इसलिए जीव इन चार द्रव्यों से कैसा हो गया? अलग हो गया ना. जीव शुद्ध भी है, अमूर्तिक भी है, पर कैसा है? ज्ञान और सुख से भरा हुआ है. इसलिए यहाँ पे क्या कहा? देखो टीका पढ़ते हैं. आ अजीव संबंधी कथन नो उपसंहार छे ते पूर्वोक्त मूल पदार्थों में पुद्गल मूर्त छे बाकी ना अमूर्त छे. पुद्गल कैसा है? मूर्त है. और बाकी के कैसे हैं? अमूर्त है. जीव चेतन है और बाकी के अचेतन है.
स्वजातीय और विजातीय बंधनी अपेक्षा जीव तथा पुद्गल ने अशुद्ध पणु छे। ये भी हमने देखा, स्वजाति और विजातीय बंध किसको होता है? जीव और पुद्गल को, बाकी के द्रव्यों को ये बंध होता नहीं है, क्योंकि अनादि काल से वे तो कैसे है, अबंध ही है, शुद्ध है, ख्याल आ रहा है ना। पर जीव और पुद्गल में ऐसी बंध रूप अवस्था होती है। जीव में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो बंध होता है, और पुद्गल में स्निग्धत्व और रुक्षत्व है उसके कारण से बंध होता है, ख्याल आ रहा है ना। धर्म आदि चार पदार्थों ने विशेष गुणनी अपेक्षा थी सदा शुद्धपणूज छे। कैसा है ये चार धर्म, अधर्म, आकाश काल, तो अनादि से कैसे है, शुद्ध ही है। द्रव्य स्वभाव से आत्मा भी कैसा है, शुद्ध ही है, ख्याल आ रहा है ना। जैसे अपन कहते हैं ना, दूध को मीठा करना पड़ता है, समझ में आ रहा है, दूध को क्या मीठा करना पड़ता है, पर शक्कर, शक्कर को मीठा करनी पड़ती है कि नहीं, स्वभाव से मिठासमयी है। ऐसे पर्याय में ये जीव को शुद्धता प्रकट करनी पड़ती है, पर स्वभाव से हम अनादि से कैसे है, शुद्ध ही है। बने बनाया भगवान तत्व हूँ मैं, ख्याल आ रहा ना, परमात्मा हूँ, और ऐसा स्वीकार किया तो पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं, बंध मार्ग का अभाव और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं, ख्याल आ रहा ना। ऐसी 37 नंबर की गाथा में पूरे अधिकार का क्या कर दिया, सार बता दिया। 37 नंबर की गाथा में पूरे अधिकार का हमको आचार्य देव ने सार बता दिया। देखो नाम क्या है मुनिराज का, जिन्होंने ये कलश लिखे, पद्म प्रभ मल धारी मुनिराज। नाम में तो आता है मल, मल मल नाम है, समझ में आ रहा ना, पर है कैसे, है कैसे अपने मुनिराज, शुद्धता के धारी है कि नहीं। यहाँ पे मल इसलिए कहा क्योंकि उनके शरीर पर तो मल लगा है, क्या कहा, उनके शरीर पर तो मल है, पर अंदर से परिणति कैसी हो गई है, परिणति तो निर्मलता से भरी, परिपूर्ण है, भरचक है, समझ में आ रहा ना। ऐसे पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने ऐसे यहाँ पे सुंदर सुंदर कलश लिखे, और ये लास्ट वाला जो कलश है कौन सा है, 53 नंबर का कलश, ये अपन साथ में पढ़ते हैं। देखो, इति ललित पद पदाना मावली भारती नित्यम वदन सरिसी जाते यस्य भाव्योत्तमस्य सपदि समय सार तस्य उन्पुण्डरीके लसति निशित बुद्धे किं पुनिश्चत्रमेतत्। क्या कहते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे कहा है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में बहुत अंतर है। अज्ञानी को अंदर जाने में प्रमाद आता है, बाहर से अंदर जाने में प्रमाद लगता है, ख्याल आ रहा ना, क्योंकि बाहर के ज्ञेयों की उसको क्या आती है, महिमा आती है। और एक ज्ञानी होते हैं उनको अंदर से बाहर निकलने में क्या आता है, प्रमाद आता है। इतना अंदर सुंदर तत्व देख लिया तो उनको अब ऐसा लगता है कि बाहर में जगत में कुछ देखने लायक नहीं है। एक जगत में कुछ देखने लायक है तो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। और अज्ञानी को क्या लगता है कि बाहर के गिने एक गिने देख लिया है ना, और एक गिने को देखने के लिए भी क्या होता है, आकुलित होता है। और जब एक बार देख लिया तो फिर उसकी दूसरी इच्छा क्या खड़ी होती है, अब किसी और गिने को देख। अब एक बार ताजमहल नहीं देखा था तो आकुलता बनी रहती है ना कि कब देखूं, कब देखूं, कब देखूं। और जब एक बार देख लिया अब क्या भाव आता है, अब ये तो देख लिया, अब दूसरा गने देखो, समझ में आ रहा ना। ऐसी उसकी इच्छा निरंतर परिग्ने को देखने की बनी रहती है। और ज्ञानी ने एक त्रिकाली को देख लिया तो क्या हो गई, परिग्ने को देखने की इच्छा ही समाप्त हो गई, क्योंकि बाहर में कुछ देखने लायक नहीं है, समझ में आ रहा ना। बहुत बार एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है कि यहाँ पे, यहाँ ये देखने के लिए फ्री पास, क्या आती है पूनम भाभी, ये जगह को, ये चीज को देखने के लिए इतने दिनों तक मम्मी फ्री पास,
हमको ये नहीं पता कि ये हम देखने जाते हैं ना तो फ्री में भी क्या बंध जाता है, पाप का बंध बंधता है। फ्री देखने तो पहुंच जाते हैं पर हमको क्या बंध बंधता है, पाप का बंधता बंध होता है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे ये शास्त्रों को पढ़ते हैं तो किसका बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। और जब हम आत्मा को देखते हैं तो पुण्य पाप के बंध से रहित कौन सी दशा प्रकट होती है, अबंध दशा प्रकट होती है। इसलिए बहुत सुंदर कलश यहाँ पे लिखा है शास्त्र के लिए, देखो ए रीते ललित पदोनी पंक्ति जे भव्योत भव्योत भव्य माटे वंदनार बिंद मा सदा सदा शोभे छे ते तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुरुषना हृदय कमल मा शीघ्र समयसार प्रकाशे छे। अने एमा शू आश्चर्य छे, ललित माने क्या, ललित माने क्या, किसी को पता है ललित माने क्या, ललित ललित माने सुंदर। ये जो शास्त्रों की जो पंक्तियां है ना वो कैसी है, सुंदर है, ललितमयी है। ख्याल आ रहा ना, ये सारे पद जो लिखे हैं ये सारे कैसे हैं, सुंदर है, ख्याल आ रहा, रमने लायक पद है। अब ये किसके लिए लिखी गई है, भव्य जीवों के लिए लिखी गई है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुष, अब जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, तीक्ष्ण बुद्धि माने जो जो ज्ञानी है, भेद ज्ञानी वाले है, ख्याल आ रहा ना, आत्मार्थी है, जिसको अपना हित करना है, उनके लिए हृदय कमल में शीघ्र समयसार, समयसार का अर्थ किया, समयसार माने यहाँ पे वो ग्रंथ समयसार की बात नहीं, यहाँ पे किसकी बात है, शुद्ध आत्मा की बात। ऐसे शुद्ध आत्मा को प्रकाशते हैं, किसको प्रकाशते हैं, शुद्ध आत्मा को प्रकाशते हैं कौन से जीव, भव्य जीव, जिनको अपना क्या करना है, हित करना है। अब जो ऐसे शुद्ध आत्मा को धारण करते हैं उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ख्याल आ रहा है ना, क्योंकि उसको अपना हित करना है तो वो जीव तो अपने कंठ में, चर्चा में, वाणी में, चिंतन में, अनुभव में किसको धारण करेंगे, एक शुद्ध आत्मा को ही धारण करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे पद्म प्रबमलधारी मुनिराज हमको कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, देखो दो 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 जीव, दो चीज, ज्ञानी होते ना, ज्ञानी, अज्ञानी और ज्ञानी में ये अंतर है। क्या अंतर है कि जो अज्ञानी होते हैं ना वे तो तुरंत ही कोई परिणाम होते हैं तो दोष किस पे लगाते हैं, दोष किस पे लगाते हैं, संयोग पे दोष लगाते हैं, ख्याल आ रहा है। और ज्ञानी, ज्ञानी किस पे दोष नहीं लगाते हैं, निमित्तों पर दोष लगाते नहीं है। जैसे सीता सती जी, ख्याल आ रहा है ना, कि उनको महल में से निकाल दिया था और वन जंगल में चले गए, है ना, शील पे दोष लगाया गया तो भी उनको, उन्होंने रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया। क्या कहा उस समय, क्या कहा कि ये मेरे ही पूर्व कर्म का उदय है, समझ में आ रहा है ना। और अज्ञानी तो तुरंत किस पे दोष लगाता है, बाहर निमित्त पे, संयोगों पे, ख्याल आ रहा ना, अपना दोष नहीं देखता। जो अपना दोष देखेगा वो नियम से दोष दूर करने का क्या करेगा, उपाय करेगा। और जो दूसरों पे दोष लगाएगा वो कभी अपना दोष दूर करने का उपाय नहीं करेगा, समझ में आ रहा ना। इसलिए पर्याय में दोष है और द्रव्य स्वभाव निर्दोष है, ऐसे दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा में तो, श्रद्धा में तो एक ही चीज है, क्या है कि मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो त्रिकाल कैसा है, निर्दोष है, दोष से रहित है। ज्ञान में दोनों को जानेगा, द्रव्य को भी और पर्याय को भी। और श्रद्धा में तो एक ही विषय बनता है, कौन बनता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, के जो त्रिकाल कैसा है, दोष से रहित है। ऐसे ज्ञानी की दशा में, ज्ञानी की भूमिका में भी जो पर्याय में दोष है उसको दूर करने का ज्ञानी भी क्या करते हैं, उपाय करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और अपना आश्रय लेकर एक समय ऐसा आता है कि वे अपने स्वभाव में अनादि काल, अनंत काल तक क्या हो जाते हैं,
स्थिर हो जाते हैं, फिर कभी भी उपयोग स्वभाव में से बाहर नहीं आते हैं। ऐसे अज्ञानी में से ज्ञानी बनकर, फिर ज्ञानी बनने के बाद भी जो पर्याय में दोष है उसको, दोष को दूर करने का उपाय करते हैं और अनंत काल तक हमारे सबको अपने स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं और सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे बहिरात्मा में से अंतरात्मा और अंतरात्मा में से परमात्मा बनने का मार्ग पूरे ये अजीब अधिकार में हमको बता दिया कि छह द्रव्य के स्वरूप को समझकर, सारे द्रव्यों की स्वतंत्रता भिन्नता समझकर, दो द्रव्य जीव और पुद्गल के बीच में भेद ज्ञान करके अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो आश्रय लेगा वो नियम से क्या होगा तो संसार से मुक्त हुए बिना रहेगा नहीं, है ना। एक अंतिम बात कह के पूरी करती हूँ, हमको गुरुदेव श्री मिल गए ना, हमको ये नियम सार समय सार मिल गया, माने हमको नाव भी मिल गया और हमको वो नाव को चलाने वाले कौन मिल गए, नाविक भी मिल गए। समझ में आ रहा ना, शास्त्र रूपी नाव और उसको समझाने वाले हमको गुरुदेशी नाविक भी मिल गए। क्योंकि कौन हमको ये समझाता, कौन हमको ये छह द्रव्य की स्वतंत्रता, सात तत्व का स्वरूप, है ना, हमारी भूल कहाँ हो रही है, हम भूल को कैसे सुधारे और उस सुधारने का उपाय क्या है, वो हमारे गुरुदेव ना होते तो हमको ये कौन समझाता। इसलिए हमारे ऊपर गुरुदेशी का अनंत अनंत उपकार है। ऐसे हम भी गुरुदेशी जो मार्ग पे चले हैं, ऐसे हम भी अपने आत्मा का आश्रय लेके उनके मार्ग पे चलकर हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो नंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान नो जय, बोलो छठा सातम झूलवाड़ा सर्व भावलिंगी संतो नो जय, जिनवाणी मात नो जय, अम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय, जिन शासन नो जैन धर्म नो जय।